अखिलेश यादव के पुरानी पेंशन बहाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तंज, बोले जब पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब तो अब्बा जान ही थे प्रदेश के मुख्यमंत्री। यूपी भाजपा की महिला ब्रिगेड ने की डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, कहा यूपी को भाजपा विकास के रास्ते पर लाई। अपर्णा यादव बोली भाजपा ने देश की संस्कृति को बचाने का किया काम। शाम 7 बजे दिल्ली में होगी भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक, यूपी के उम्मीदवारों को लेकर बैठक में होगा मंथन। अब तक भाजपा यूपी के 195 प्रत्याशियों का कर चुकी है ऐलान। यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद ने बनाया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा, आजाद समाज पार्टी समेत कई छोटे घटक दल शामिल, साथ में मिलकर लड़ेंगे चुनाव।